नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और समय कम है। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जो परीक्षा पास करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। किसी भी परीक्षा में जब हम शामिल होते हैं और परीक्षा खत्म होती है, उसके बीच की जो यात्रा होती है, यानी कि जब हम परीक्षा देने गए और समाप्त करके आए, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसी के लिए हम सालों साल तैयारी करते हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, कितना भी बढ़िया पढ़ के जाइए, लेकिन अगर आपका पेपर खराब हो गया तो वो तैयारी या वो पढ़ाई किसी काम की नहीं होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने को दिमागी तौर पर आप खुद तैयार करें, खुद को, कि परीक्षा देना है हमको, परीक्षा में अच्छा करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन भी आपके कम हो गए और कट ऑफ से आप नीचे चले गए, तो आपको फिर एक साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही प्रक्रिया। और ये एग्जाम ऐसा है, फिर वही स्टेप होते हैं, चाहे आप प्री में फेल हो, चाहे मेंस में, चाहे इंटरव्यू में, फिर से तीनों स्टेप में आपको जाना पड़ता है। तो दिमागी तौर पर आप तैयार रहें और परीक्षा में सफलता बिल्कुल निश्चित है। कि केवल पढ़ाई से, अगर आप कहें कि केवल पढ़ाई पर निर्भर करती है, तो आप गलत हैं, बिल्कुल गलत सोच है आपकी। और परीक्षा पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेपर को अच्छा करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। और इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। कि प्रश्नों को ठीक ढंग से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी बात है। आप बहुत अच्छे से इसको सुनिए, अमल करिएगा। जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो ये कुछ नहीं है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो नए हैं या जिन जो एक दो एग्जाम फेल कर चुके हैं, उनको निराशा होती है, तो प्लीज वो ध्यान से सुने। हाँ, ना, है, नहीं है, ये से शब्द यूज प्रश्न में होते हैं और इन शब्दों पर कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस इन विशेषता नहीं बतलाता है। कोई प्रश्न है तो कहता है इसकी विशेषता नहीं बतलाता है, और हम मान बैठते हैं बतलाता है, और तीन या चार विकल्प, पांच विकल्प, पांच स्टेटमेंट, ऐसे चार विकल्प तो चार ही होते हैं, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट देता है, तो हम तीन में से एक को तो देखते हैं कि वो है ही है और उसको सही जान के मार आते हैं, और जबकि वो पूछ रहा था कि नहीं। तो हाँ, ना, है, नहीं है, इन शब्दों को बहुत सही से आप ध्यान दें। इन शब्दों पर सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, इस पर बहुत सही से ध्यान दें। और ऐसे शब्दों पर अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो चार पांच क्वेश्चन निश्चित तौर पे 150 में आपके गलत हो जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूं कि प्रश्न पूछा गया कि पुलिस किस सूची में है, किस सूची का विषय है, राज्य या केंद्र। ठीक है, हो सकता है आपने सूची पढ़ी हो, त्रिसूची प्रणाली, उसके अंतर्गत आपने पढ़ा हो कि यह राज्य सूची का विषय है, आपको आता है, सब लोग पढ़ के जाते हैं, तैयारी तो सब लोग करते हैं। यहां पे मैंने महज उदाहरण दिया है, प्रश्न हो सकता है आपको ये आ रहा हो तो आपको लगे अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन ऐसे प्रश्न और भी होते हैं। तो आपको आता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप जरा देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देते समय आप विभिन्न राज्यों की पुलिस के नामों को, नाम को ध्यान में रखकर, जैसे यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, है ना, ऐसे होता है ना, बिहार पुलिस, बहुत सारी पुलिस, ऐसे एमपी पुलिस, जितनी भी पुलिस है सबका ऐसे ऐसे नाम है, तो अगर आप ये ध्यान रखें तो आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। आपको लगेगा कि ये हर राज्यों के नाम पर है तो यह राज्य का विषय होगा, तब तो है, नहीं तो एक सेंट्रल फोर्स होती और पैरामिलिट्री फोर्स की तरह, और वही सब पूरे स्टेट में काम करती। तो भले ही आपने ना पढ़ा हो या याद ना आ रहा हो, तब भी आंसर निकल आएगा। इसी को कहते हैं कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगा के। कई बार हम पढ़े नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी पूछती हैं, पूछी जाती हैं परीक्षा में, पूछता है आपकी ये टेस्ट करने के लिए एग्जामिनर उन प्रश्नों को डालता है, जो पेपर सेटर होता है वो डालता है, कि आप कितना अवेयर रहते हैं, कितनी चीजों को आप आसपास की चीजों को कैसे सोचते हैं, कैसे उनको टैकल करते हैं, तो इसलिए ऐसे प्रश्न होते हैं। आगे हम देखें कि यदि सीधा आंसर ना पता हो तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें, इसको भी हम उदाहरण से सीखेंगे। जैसे भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, सबने ये प्रश्न देखा होगा, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन क्या, ये चार स्टेटमेंट हैं, फिर ऑप्शन चार नीचे दिए हुए हैं। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, पहला दिया है, फिर दिया है हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, तीसरा है समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, और चौथा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा।
अब ये पूछ रहा है कि इनमें से सही उत्तर चुनिए, कौन सा सही है, सब में देखो सही है सही है सही है लगा है। अब अगर आप इस चारों को पढ़ेंगे और टिक करेंगे कि ये ठीक है, हो सकता है आपको चारों आता हो तो आप टिक कर लेंगे कि ये सही है ये सही है ये सही है, तो आप मार देंगे दो तीन चार। लेकिन हो सकता है आपको चारों कंफर्म ना हो, दूसरा प्रश्न आप लें चारों कंफर्म ना हो। लेकिन यहां पे जरा पहले सेंटेंस पे अगर ध्यान दीजिए, ये आपको पता है यदि कि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए तो ग्लोबल वार्मिंग से सार्वभौमिक संपर्क का तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो अब जरा आप ऑप्शन पे आइए और देखिए पहला कहां कहां दिया है। तो पहला ए में दिया है, पहला सी में दिया है और पहला डी में दिया है, क्योंकि उपर्युक्त सभी सही है तो इसमें पहला भी शामिल है। तो अब ये तीन विकल्प तो हो ही नहीं सकते उत्तर, ये तीनों कहां हो पाएंगे, ये तीनों नहीं हो सकते, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है। तो बचा कौन सा विकल्प, बी, और इसका उत्तर निश्चित तौर पर बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सार्वभौमिक संपर्क का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इतना पता है तो पूरा प्रश्न सही हो गया, सारे स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट को जानना कोई जरूरी नहीं है। अपने उत्तर को करंट से अपडेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हो सकता है जब आपने कोई प्रश्न पढ़ा हो, देखा हो उसका उत्तर फला दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया 10 साल पहले कोई प्रश्न पूछा गया था और आप कहीं से कोई सामग्री है वहां से देख रहे हैं और वो पुरानी सामग्री है, आपको अपडेट नहीं है, पूछा गया कि नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, हो सकता है उसमें 85 रहे हो, आपको आंसर 85 याद है लेकिन करंट में वो 103 हो गए हैं, ठीक है, तो आप उसको ऐसे अपडेट कर लें। फिर ये पूछे कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो आप अगर इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो पुराना डेटा आपका बेकार हो जाएगा। ऐसे खनिज संबंधी आंकड़े, ऐसे ही जो भी अन्य आंकड़े होते हैं जो अपडेट होते रहते हैं, उनको जो भी लास्ट अपडेट आपके दिमाग में हो उसको आप आंसर करें। तो अपने उत्तर को करंट से अपडेट रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन प्रश्न ऐसे तो पूछे ही जाते हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो तो घबराएं नहीं, उसे छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं और पेपर पूरा हो जाने पर उन प्रश्नों को पुनः हल करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि कई प्रश्नों के उत्तर आप निकाल पा रहे हैं। कई बार यह होता है कि हम जब प्रश्न कर रहे होते नहीं आता तो घबराने लगते हैं और उसी पे बहुत सारा टाइम देने लगते हैं। प्रश्न हमको करना है 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, 30 सेकंड में और हम उस पे 2 मिनट 3 मिनट बर्बाद करते हैं। उसको छोड़ दीजिए, गोला बना दीजिए, कोई साइन बना दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। जब आपके पास फिर से समय बचे, फिर से सोचिए, तो वो प्रश्न 50% ऐसे होते हैं जो याद आने लगते हैं और आप जब आराम से टिक करते हैं तो वो सही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस प्रश्न के चक्कर में अगले प्रश्न का नुकसान नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। OMR को अच्छे से भरें, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको क्या बताऊं। कई बार लोग प्रश्न आता रहता है, सही से प्रश्न कर देते हैं, आंसर मान लीजिए कि इस प्रश्न का हम देखें और उन्होंने आंसर भी निकाल लिया, लेकिन जब OMR में टिक करने लगे और मान लीजिए कि ये 25 नंबर पे प्रश्न दिया था, ठीक है, और OMR में उन्होंने 26 नंबर पे टिक कर दिया या 25 नंबर पे ही डी की जगह बी टिक कर दिया, गोला बना दिया, तो ये गलत हो जाता है। पेपर में कई बार गलत गोले को अच्छे से भरें, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, यानी कि पूरे गोले को गोल गोल सही से फुल उसको भर दें, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा भरें। और दूसरा ये कि जो उत्तर पेपर में आप टिक कर रहे हैं वो वहीं वहां भरना बहुत जरूरी है। कई बार हम ये गलतियां करते हैं और एक गलती यहां पे और लोग करते हैं, कई बार लोग 10-10 या 20-20, 25-25 प्रश्न कर डालते हैं फिर सीरियल से भरते हैं। एक मिलने वालों ने बताया कि हम उनके 10-15 प्रश्न गलत हो गए थे, इसलिए कि उन्होंने मान लीजिए कि 15 से 25 तक के प्रश्न कर लिए, फिर भरना चालू किए और 15 नंबर वाला भर दिए 16 पे, तो आगे के सारे गलत होने चले गए, 16 वाला 17 पे, 17 वाला 18 पे, ऐसे ऐसे होता चला गया। मतलब एक उदाहरण है और ये ऐसे पूरा गलत हो गया, यानी कि 10-12 क्वेश्चन उनके गलत हो गए। तो हो सकता है उसमें 9-10 सही होते, हो सकता है 5-6 सही होते जो भी थे, लेकिन वो सब गलत हो गए। और सबसे जरूरी बात है कि आप अपना एडमिट कार्ड, पेन, ID आदि जो चीजें हैं, इन चीजों को बिल्कुल निश्चित तौर पे पहले ही व्यवस्थित कर लें। जैसे कल एग्जाम है, आज शाम को ही चेक कर लें कि आपने एडमिट कार्ड निकालना है कि नहीं निकाला है, पेन जो भी कलर करने के लिए, गोला बनाने के लिए, और पेन एक्स्ट्रा लेके जाएं, एक पेन अगर वहां पे जरूरत हो तो 2 पेन लेके जाएं, हो सकता है कि उसकी रिफिल विफिल कुछ खराब हो जाए, तो वहां पे इधर उधर से मांगने से मिल तो जाता है, कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा रखेगा, लेकिन ये टाइम जाया नहीं करना चाहिए। आईडी आप एक दो रखे रहिए, सबके पास 2-2 आईडी इस समय तो कम से कम है ही है, ठीक है, रखे रहिए, कोई एक आईडी होनी जरूर चाहिए, एक आध फोटो भी एक्स्ट्रा ले जाना चाहिए, और उस फोटो को हो सकता है आपसे ना मांगा गया हो, लेकिन 1-2 फोटो रखे रहिए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे काम आ जाए। तो इन बातों का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से आपका अगर पेपर हो गया
कम नॉलेज में भी कई बार हम बहुत अच्छा पेपर कर ले जाते हैं, तो पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, और पेपर खराब हो गया तो कोई पास कर नहीं सकता है। तो ये बातें थी। यहाँ पे मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं, ये ब्लॉग है आईएएस प्रेप का, वहां से ये बातें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। डिस्कस केवल मैं कर रहा हूँ और ये पढ़ के सुना रहा हूँ। ये आपका ब्लॉग है और इस ब्लॉग में ये पोस्ट थी, और इसको मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इस ब्लॉग पे अगर आप जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई से संबंधित इसमें बातें की जाएंगी, और निरंतर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे आंसर लिखें, कैसे क्या अपडेट हो रहा है, इन सारी चीजों को। तो अगर आप इस पे जाना चाहते हैं, आप भले अभी ना जाएं, लेकिन अभी भी इसमें काम की ही चीजें हैं, एग्जाम के बाद जाइएगा जैसा आपका मन हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप टाइप करेंगे इस पे IAS, ठीक है, चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में, IAS PREPIN ISPREPIN.blogspot.in, ठीक है। इसको टाइप करके जैसे आप इंटर करेंगे, ये सीधा आपका ब्लॉग आपको ले जाएगा आपके ब्लॉग पर। ये आईएएस प्रेप का ब्लॉग है, उसमें ये देखिए आज जो हमने डिस्कस किया है ये बातें लिखी हुई हैं। इसके पहले की जो और पोस्ट आपको देखनी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये खुल के पूरा आपको मेन ब्लॉग पे लेके जाएगा, और इस ब्लॉग पे आप पढ़ सकते हैं बहुत सारी पोस्टें जो निरंतर हम लोग डालते रहेंगे इस पे, और आप इसको पढ़िए, इसका लाभ उठाइए। ये आप मान के चलिए कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको पास कराने में जितनी हमसे हो सकती है। हम लोग मिल के तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, पास तो होके ही रहेंगे। जैसे ये दो पोस्ट हिंदी माध्यम में सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी, एग्जाम हाल में ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। तो अभी ये नया व्लॉग है, धीरे धीरे इसमें पोस्ट आती रहेंगी। आप डायरेक्ट भी जाके यहाँ पढ़ सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, पोस्ट लाइक कर सकते हैं, यहाँ अपने सुझाव, यहाँ पे देखिए ये आप ये पोस्ट मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये पोस्ट खोलिए और उसके बाद में नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं, इस पे आप चैट भी कर सकते हैं नीचे आपस में एक दूसरे से। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो भी बात करें वो प्रासंगिक हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ही ये क्रिएट किया गया है, तो आप इसको भी फॉलो करें, यहाँ पे अपनी बातें रखें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो यहां से भी आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और वही बात, जितने ज्यादा आप मदद लोगों की कर पाए करिए, और अगर आप मदद करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उसका फायदा ही होगा। ज्ञान बांटने की चीज है, रखने से सड़ जाती है, दिमाग भी कुंद हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसको फॉलो भी करिएगा।